एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ने के क्या कारण है, क्या यह खतरनाक लक्षण है और इसको कैसे ठीक करना है, इसका इलाज कैसे होना है, ये तीन क्वेश्चन हैं जिनके मैं जवाब दूंगा इस वीडियो में। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस अगर पोस्ट मेनोपॉजल एज में 45 साल 50 साल के बाद बढ़ रही है तो ये एक खतरनाक साइन है। इसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ेंगे, बायोप्सी की जांच करानी पड़ेगी, यूट्रस गर्भाशय के अंदर का जो एंडोमेट्रियम है उसको देखना पड़ेगा कि उसमें किस तरीके के चेंज आए, क्यों हाइपरप्लेजिया हो रही, क्यों थिकनेस बढ़ रही है। क्योंकि थिकनेस बढ़ने का जो प्रमुख कारण है ज़्यादा उम्र में, वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। हाइपरप्लेजिया क्या है, इसका मतलब है कि अंदर की ग्लैंड्स हैं वो बड़ी हो रही हैं, ज़्यादा बढ़ रही हैं, प्रोलीफरेट हो रही हैं और उसमें कैंसरस चेंजेज आ रहे हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है अगर थिकनेस बढ़ रही है। इसके अलावा एडिनोमेटस पॉलिप है। तो ये सारे कारण होते हैं पोस्ट मेनोपॉजल एज में एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ना। तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ना एक डेंजरस संकेत है, एक खतरनाक संकेत है। और इसका इलाज ऐसा किया जाता है, अगर किसी को एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया मिलती है सिंपल, मतलब उसमें कोई कैंसरस चेंज नहीं है, तो उसके लिए हार्मोन दिए जाते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे एंडोमेट्रियम का साइज सिकुड़ जाता है, हो जाता है। बेसिकली ऐसी दवाइयाँ जो इस्ट्रोजन के लेवल को कम करती हैं। और अगर किसी महिला के अंदर कोई चेंज आता है जिसमें कोई कैंसरस बदलाव आता है, कैंसरस चेंजेज आते हैं या किसी को एंडोमेट्रियल कैंसर ही है, उस केसेस में यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है।